दोस्तों, जब बात होती है इंडियन रेलवे के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेनों में लगने वाला जो किराया होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, और यही कारण है कि हमें ट्रेनों में भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा भारत के सभी छोटे बड़े सिटीज, विलेजेस और कस्बों को जोड़ने का काम किया जाता है, यानी कि रेलवे कनेक्टिविटी आपको भारत के लगभग सभी जगह पर मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से काफी ज्यादा कम किराया लिया जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, इसके अलावा मेट्रो से ट्रैवल करते हैं या फिर बस से ट्रैवल करते हैं, तो इन सभी में लगने वाला जो किराया होता है वो आपको ट्रेन से कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक काफी बड़ी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि बेंगलुरु और कोलकाता के बीच में चलाए जाने वाली जो हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें लगने वाला जो किराया है वो 10,000 रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि जब एक यात्री के द्वारा बेंगलुरु और कोलकाता के बीच में चलाए जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट बुक किया गया तो यात्री के द्वारा बताया गया कि हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में सेकेंड एसी में लगने वाली एक टिकट की जो कीमत थी वो 10,000 रुपए से भी ज्यादा देखने को मिल रही थी। और जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि इस यात्री के द्वारा एक स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में लगने वाला जो किराया है वो 10,000 रुपए से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर और कोलकाता के बीच में चलाए जाने वाली जो ये हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन है, इस ट्रेन के सेकेंड एसी कोच में लगने वाला जो किराया है वो केवल 2,900 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब सेकेंड एसी कोच में लगने वाला किराया केवल 2,900 रुपए के आसपास देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पर 10,000 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ सालों पहले डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम को लागू किया था। अब इसके अकॉर्डिंग होता यह है कि जैसे जैसे ट्रेन में टिकट की डिमांड बढ़ती जाती है उसके कारण ट्रेन के टिकट के जो प्राइस होते हैं वो भी काफी तेजी से बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों, इस केस में जो किराया है वो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसके बाद दोस्तों, काफी लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि वो इतना ज्यादा किराया देने से ट्रेन में बिना टिकट के ही ट्रैवल करेंगे, और बिना टिकट ट्रेन में ट्रैवल करने से जो फाइन देना पड़ता है वो फाइन वो दे देंगे, क्योंकि लोगों की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप बिना टिकट ट्रेन में पकड़े जाते हो तो आपसे 250 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रेन में बिना टिकट के अब ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करते हुए पकड़े जाते हो तो आपसे जुर्माना तो लिया ही जाएगा और आपको ट्रेन से नीचे भी उतार दिया जाएगा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।